अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल टाइम टिप्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो गाइस, लॉकडाउन की वजह से सब लोग घरों में रहकर बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, तो हमने सोचा क्यों ना कहीं घूमाएं। और हम मेरे कज़न की इंगेजमेंट भी थी, यानी कि मेरी जो मम्मा है उनके मामू के बेटे की, मेरे भी वो एक किस्म के मामू ही लगते हैं, तो उनकी इंगेजमेंट थी। तो हम लोग जा रहे हैं सरगोधा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। ज़्यादातर मैं इस चैनल पर फैशन, हेल्थ एंड ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ, तो अगर आप न्यू हैं, ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। तो हम लोग सरगोधा में इंटर हो चुके हैं। ये खिजर बाबा ने एक वॉलेट बाय किया था, खिजरा के पास उसका हैंडबैग था, तो वो भी ज़िद कर रहा था मैंने भी लेना है। जाहिर है लड़कों को लड़कियों वाला हैंडबैग तो नहीं दे सकते, तो फिर उसकी दादी ने इसको ये छोटा सा वॉलेट लेके दिया था। बहुत प्यारा था, बिल्कुल बच्चों के साइज़ का था, बहुत अच्छा लगा ये देखें, बहुत खुश हो गया था। और इसकी दादी ने इसको पैसे भी दिए इसमें रखने के लिए, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं मम्मा की जो कज़न है उनकी तरफ, क्योंकि जो सब बड़े लोग थे वो चले गए थे इंगेजमेंट के लिए, हम लोग नहीं गए थे। बड़े बड़े यानी कि मामू और मामा वगैरह जो भी थे सब लोग वहाँ चले गए थे, और हम लोग आए मम्मा की कज़न की तरफ, क्योंकि उन्होंने हमारा लंच किया था। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। जिस भाई की इंगेजमेंट है ये उन्हीं की सिस्टर की तरफ हम लोग आए हैं, उनकी बड़ी सिस्टर की तरफ। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत मज़े का खाना बनाया था, कीमे का सालन था बहुत टेस्टी, और साथ में चिकन पुलाव था वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। माशाल्लाह उनके हाथ में काफ़ी जायका है, और उसके साथ में भल्ले थे बहुत मज़े के। तो हम लोग सुबह से निकले हुए थे और भूख भी काफ़ी लगी हुई थी, तो हम लोगों ने खाना खूब इंजॉय किया और बहुत मज़े से खाया। माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा था, अल्लाह पाक उनके खाने में बरकत डाले, उनके घर में बरकत डाले। तो अच्छा लगा, हम लोगों ने खाना खूब इंजॉय किया। और ये देखें खिजरा, खिजर भी खाना खा रहे हैं। बच्चों को ज़्यादातर राइस ही पसंद होते हैं, खिजरा ने भी राइस ही लिए थे, खिजर ने भी। और उसके बाद उन्होंने ये ट्राइफल कस्टर्ड भी बनाया था, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। पहले ही हमारा वो सब कुछ खा के इतना ज़्यादा पेट भर चुका था, तो कस्टर्ड हम सब ने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही खाया, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की थी, सारा खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया था। खाने के बाद चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो उसके बाद जो भाई हैं आलमंड केक भी ले आए थे चाय के साथ, हम सब ने वो भी इंजॉय किया, क्योंकि मम्मा को आलमंड केक बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम सब ने वो खाया और माशाल्लाह वो केक भी बहुत टेस्टी था। फिर हम सब ने गप्पे शप्पे मारी और मम्मा लोग भी इतनी देर में आ गए थे, चाय उन्होंने हमारे साथ ही पी। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस। ये हैं अयान बाबा, यानी कि मम्मा की कज़न के बेटे। माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत क्यूट है और बहुत अच्छी बातें करता है ये। कभी इसके साथ मैं आपको अलग से वीडियो भी इसकी शेयर करूँगी। तो उसके बाद जब हम लोग उधर से आ गए थे, तो यहाँ पर एक जगह है मॉडल मार्ट, तो बच्चे ज़िद कर रहे थे हमने वहाँ जाना है प्ले एरिया में। तो यहाँ पर थोड़े से झूले वगैरह भी हैं और शॉपिंग के लिए स्टॉल्स वगैरह भी हैं, ये देखें सरगोधा में। तो हम लोग फिर वहाँ पर आ गए थे। खिजरा खिजर ने बहुत ज़्यादा फिर इंजॉय किया, उनके बाबा उनको वहाँ पर ले गए थे जहाँ पर प्ले एरिया है। तो हम लोग चले गए थे जहाँ शॉपिंग के स्टॉल हैं। तो हम लोगों ने थोड़ी विंडो शॉपिंग भी की और थोड़ी सी वैसे भी शॉपिंग भी की, तो बहुत अच्छा लगा। ये देखें यहाँ का ये किड्स एरिया है, वहाँ पर मैं अंदर जाकर तो वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि उनके बाबा इनको उधर ले गए थे। तो हम लोग शॉपिंग वाली साइड पर चले गए थे। देखें खिजरा खिजर बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इतने दिनों के बाद ये बाहर आए थे लॉकडाउन की वजह से, घर में रह रहकर बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो चुके थे। तो फिर हम लोग वहाँ पर गए, थोड़ी सी शॉपिंग की। ये देखिए हैं मेरे साथ हैं अनीजा था, आप इनके चैनल पर भी ज़रूर विज़िट करिएगा, और मेरे साथ हैं मदर जायका।
ये देखें, ये मैं और मदर जायका हैं। मदर जायका के चैनल पर भी आप ज़रूर विज़िट करिएगा। तो ये मैंने ड्रेस पहना हुआ था। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं स्टॉल्स की तरफ। यहाँ पर ये बहुत अच्छे स्टॉल्स थे हर तरह के। यहाँ पर ये एक क्रॉकरी का स्टॉल था, बहुत अच्छी वहाँ की क्रॉकरी थी। हर तरह के बर्तन थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। ग्लास वगैरह के स्टाइल, कप वगैरह के स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो हमने वहाँ से एक कप का सेट बाय किया और ये एक वॉल पॉकेट बाय की थी, वो भी बहुत अच्छी थी। और ये सब बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। प्राइस तो हर जगह ही अब बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो हर एक जगह का अपना रेट है। तो बहुत अच्छे मिल गए थे ये वाले, हमने कप बाय किए थे, बहुत अच्छे थे और रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। जैसे कि आप सबको पता है, ईद भी आने वाली है, तो हमने यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की बच्चों के लिए, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए ट्राउज़र शर्ट भी बाय की है। और जो बच्चों के लिए शॉपिंग की है वो मैं अलग से खिजरा और खिजर के चैनल पर शेयर करूँगी। अगर आप उस चैनल पर नहीं आपने विज़िट किया वो भी ज़रूर कर लीजिएगा, खैरुल खिजर विद सिस्टर। तो उस पर मैं इन बच्चों की शॉपिंग शेयर करूँगी अलग से, और अपनी शॉपिंग अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वापस जाते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, रात हो गई थी। तो बच्चों ने रास्ते में जूस वगैरह और लेज़ वगैरह इंजॉय की, और बाकी सफ़र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव में। अल्लाह हाफिज़।